गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो ब्रॉड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा, जो कि बहुत ही शानदार और माइंड ब्लोइंग ऐप्स है, जो कि आप यूज करके आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक रोलिंग आइकन करके एक आपको आइकन दिख रहा होगा। ये बहुत ही शानदार एप्लीकेशन, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी सारे ऐप्स का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप रोलिंग आइकन डाउनलोड करने के बाद इसे आप ओपन कर लें। तो ओपन करते के सामने आपके साथ ऐसा एक UI खुलेगा। तो इसे आप स्टार्ट का एक बटन आपको दिख रहा होगा, तो इसे बस आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करते हो तो आपके सामने गूगल ग्रेविटी, आपको याद होगा, तो उस प्रकार का एक डिज़ाइन आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गया है यहाँ पे, जो कि एकदम गूगल ग्रेविटी जैसे आपको याद होगा। तो ऐसे ही कुछ गूगल ग्रेविटी में भी आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा। आप जैसे मन वैसे इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, जहाँ फेंकना है वहाँ फेंक सकते हो। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इवन आप डायरेक्टली इस आइकन से डायरेक्ट उसे ओपन भी कर सकते हो। लाइक मैं कैलकुलेटर यहाँ से खोल के आपको दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेटर ओपन हो गया है। इवन आपको यहाँ पे 3 डॉट का एक आइकन दिख रहा होगा इस पार्ट में, देख सकते हो। तो मैं इसे अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने एक सिंक्रोनाइज वे में एक सारा आइकन यहाँ पे दिख रहा है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। इवन आपको यहाँ पे फ्लोटिंग बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक फ्लोटिंग बटन। तो इसे मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी मेरे सामने 4 ऑप्शन है। सो आप इन 4 ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो। लाइक सेटिंग्स यूज करना है, डायरेक्टली सेटिंग्स में पहुंच जाओगे। पावर बटन का यूज करना है तो यहाँ से भी पहुंच सकते हो। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, इवन आपको जैसा यूज करना है वैसा ये यूज होगा। बहुत ही खूबसूरत देखने में ये ऐप आपको देखने को मिलेगा। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऐप। हमारा नेक्स्ट ऐप आप यहाँ पे देख सकते हैं WinX लॉन्चर करके, जो कि विंडोज बेस्ड एक लॉन्चर, जो कि आपके एंड्रॉइड को एक विंडोज 10 में कन्वर्ट कर देता है। इसे भी आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। मैं ओपन करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का UI देखने को मिलेगा। और ये इसे जब भी आप चलाओगे तो इसे लैंडस्केप मोड में कर लेना। तो मैं इसे अभी लैंडस्केप मोड में इसे ऑन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसे लैंडस्केप मोड में ऑन कर लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम सेम जो विंडोज 10 में आपको डेस्कटॉप में देखने को मिलता है, आपको यहाँ इस मोबाइल में आपको देखने को मिल रहा है सारा कुछ। इवन सारा सेम सब कुछ यहाँ पे सेम है, जैसा आपको विंडोज 10 में देखने को मिलता है वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इवन आप अगर यूज़र यहाँ पे आप फाइल्स में क्लिक करते हो इस पार्ट में भी, तो आपको एक विंडोज 10 की तरह यहाँ पे आपको देखने में लुक्स में आपको मिल जा रहा है, जिसमें से सी ड्राइव आपका फ़ोन का इंटरनल मेमोरी होगा। अगर आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो तो एक और ड्राइव यहाँ पे क्रिएट होगा, जो कि आपको मेमोरी ड्राइव को यहाँ पे सिग्निफाई करेगा। सी ड्राइव ओपन करोगे तो एकदम विंडोज़ की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आप अपने एंड्रॉइड को अगर विंडोज 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन यू कैन यूज़। सो बढ़ते हैं अपने तीसरे और सबसे बेस्ट ऐप की ओर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऐप। हमारा सबसे बेस्ट ऐप है यहाँ पे XOS लॉन्चर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लॉन्चर है। आप इसे यूज़ करोगे तो सच में आप इसे चाहोगे डाउनलोड करना। तो मैं इसे ओपन करके इसे दिखा देता हूँ कैसा देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने इसे ओपन किया तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपके सामने UI खुला है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारा ऐप सिंक्रोनाइज वे में आपको देखने को मिलेगा। इवन आप देख सकते हो ऊपर में बहुत सारा टैप्स है यहाँ पे, टूल, सोशल मीडिया, फन, बहुत सारा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑटो अरेंज यहाँ पे हो गया सारा ऐप्स। लाइक सोशल में जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मीडिया में जाओगे तो मीडिया वाले ऐप सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फन एंड कैजुअल्स में भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। शॉपिंग्स में भी जो ऐप आपके में इंस्टॉल्ड है यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको आ जाएंगे। इवन कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स भी है इसमें, जो इस लॉन्चर कौन करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स है या इसमें, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। इवन आपको लाइक इस वे में भी आपको आइकन यहाँ पे आपको दिख सकता है। इवन आप जब आप नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हो तो आपको इस प्रकार में भी आपको देखने को मिलेगा इसका UI, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। सो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। सो हम बढ़ते हैं अपने चौथे और लास्ट एप्लीकेशन को देखने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एप्लीकेशन। लास्ट एप्लीकेशन है सोशल स्टेटस सेवर, जो कि सोशल मीडिया लोगों के लिए ये है, जो कि अगर जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जो एडिक्टेड है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है। लाइक मैं दिखाना चाहूँगा एक डेमो। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट्सएप का एक आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो
जिन जिन लोगों ने अभी WhatsApp पे स्टेटस लगाया है, इवन इमेज का स्टेटस या वीडियो का स्टेटस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सारा इमेज का स्टेटस एंड वीडियो का स्टेटस, इवन डाउनलोड का बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जो भी कुछ आपको डाउनलोड करना है डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्टेटस। तो मेन WhatsApp में तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर डाउनलोड करना हो तो डायरेक्टली इस ऐप में आपको आना है और यहाँ पे ऑटो लोड हो जाएगा सारा स्टेटस, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और डायरेक्टली यहाँ पे आप आके डाउनलोड कर सकते हैं। आप और भी अगर बात करें तो इंस्टाग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है मेरे को पेस्ट लिंक करके डाउनलोड करने का। कि आप नॉर्मली कर सकते हो बहुत सारे ऐप में, लेकिन जब मैं आई आइकन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है इंस्टाग्राम से। आपको डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड करने का एक प्रोसीजर दिया हुआ, जिसमें से प्रोसीजर पहला प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि आपको ट्रिपल आइकन में क्लिक करके शेयर टू में जब आप क्लिक करते हो तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक वहाँ पे शो करेगा डाउनलोडिंग में आपको ऑल इन वन स्टेटस सेवर। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा मेन एप्लीकेशन में। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आपको इस एप्लीकेशन में आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और सेकेंड प्रोसीजर जो यहाँ पे आपको कॉपी लिंक करके यहाँ पे पेस्ट करना, तो ये ऑप्शन तो आपके पास है ही। सेम प्रोसीजर लागू होता है फेसबुक के लिए भी, सेम चीज़ आई में क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है एंड ऑल, जो भी है ट्विटर के लिए भी। और बाकी रहा टिकटॉक और लाइकी, इसके बारे में अगर हम लोग बात ना ही करें तो ही बेटर होगा। आई होप आपको चारों के चारों ऐप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे और आई होप यू विल गोना लाइक दिस वीडियो। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट फॉर द डे।